चुनाव में जनता ने निर्णय लिया कि 15 साल बनाम 15 महीने। मेरी माइक केवल लेना। भाजपा की सत्ता की भूख, सत्ता की हवस, लोकतांत्रिक व्यवस्था और अलोकतांत्रिक व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलोकतांत्रिक व्यवस्था पे जाके खड़ा हुआ। मुद्दा विहीन भाजपा कुछ नहीं जनता को बता पाए। पहले दिन समाचार पत्रों में इनके रोज कारनामे। भारतीय जनता पार्टी के शासन के मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों के आज का फ्रंट पेज उज्जैन, सारे 20 लोग शराब के कारण मर गए, उस पर शोक तक नहीं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री का। शोक एक वेदना, परिवार वालों के साथ खड़ा होने की एक शब्द नहीं। जबलपुर में नाबालिग बालक का अपहरण होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, मुख्यमंत्री मौन है, सरकार चुप है, एक शब्द नहीं, न गृह मंत्री का न मुख्यमंत्री का। प्रदेश में हर दिन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना है। देश के अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं मध्य प्रदेश नंबर वन है 6 महीने। अभी थोड़े दिन पहले आंकड़े जारी हुए। चुप। मुरैना में दलितों की पिटाई पर पेपर रंगे पड़े हैं। मुरैना में गुना की एक महिला, क्या आदमी है यार, कौन है? गुना की एक बहन, उसके सरकार ने एक परिवार में भरी बरसात में पानी गिर रहा था, दलित परिवार को किस तरीके से दुखी किया, परेशान किया, उसका घर उजाड़ा, खेत की फसल सूख गया था। मैं मानता हूँ सारी घटना इनके चाल चरित्र और चेहरे को बता दी, और अंतर मन में क्या है, चुनाव के हार का डर हर जगह। पहले मैं गरीब हूँ, फिर ये पीते हैं, ये ले जाते हैं, ये पहनते हैं। कमलनाथ जी तो इस तरीके से मिलते नहीं है। सब हमारे सवाल, हमसे सवाल इस तरीके के पूछे जाते हैं, पर आप तो बताओ आपने लोकतंत्र की हत्या क्यों की? आप तो बताओ आपने तार तार क्यों किया, मध्य प्रदेश के माथे को कलंकित क्यों किया? आप शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बताओ कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति, एक मंत्री आपने बना के आज रखा है, उसने 15-20 साल पहले, आप लोगों को याद हो, जो नए पत्रकार है उनको है नहीं है, पर पुराने लोगों को 100% याद होगा कि कल्याणी पांडे के लिए क्या टिप्पणी की थी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो आज का है उसने। आप ये बताओ, मैंने जैसा पूछा कोई उत्तर हो तो दे दे। ध्रुव नारायण सिंह को बगल में बैठ के महिलाओं के अधिकारों की बात आप कर कैसे सकते? भारतीय जनता पार्टी मौन है, जन सेवक चुप है, जन सेवक बताने में लगा है कि मैंने क्यों गद्दारी। कोरोना की महामारी, हमारे अभी मैंने पत्रकार बंधुओं से पूछा कितने लोग ग्रसित हुए, कितने राजनीतिक लोग ग्रसित हुए, कितने अधिकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेसी ग्रसित हुई। इंदौर जैसे शहर में 30,000 से ज्यादा लोग, परिवार के लोग हताहत, और एक परिवार का व्यक्ति जब ठीक होने जाता है तो कम से कम 5 लाख रुपया लगता है, घर बेचेगा, संपत्ति बेचेगा, जब ठीक होके आएगा नहीं तो मर जाएगा। सरकारी लूट, और साथ ही साथ लूट हॉस्पिटल की, और सरकार मौन। जिस तरीके का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले 6 महीने में हुआ, सर्वविदित है, रोज दिखता है, रोज आपके जरिए प्रदेश में पता चलता है। हाथरस की घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी मुख्यमंत्री, सबने आंखें मूंदी। पूरे देश में जिसका इतना बड़ा तांडव चला, आज तक शिवराज सिंह चौहान के मुंह के हलक से एक शब्द नहीं निकला। कैसा बेशर्मी का कृत्य है आपका। मैं मानता हूं कि ये सब बातें बताती इनके चरित्र को, इनके चेहरे को, और उद्देश्य क्या है। सेला मसूद वाला हत्याकांड, उसका अभियुक्त आरोपी जिस पर कटघरे में आया, वो आज 5 स्टार हो, जो उपवास हुआ मौन, शिवराज सिंह के बगल में बैठा है, ऐसे महिलाओं के आप आत्मरक्षा की बात करोगे?